नमस्कार दोस्तों, नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। नवोदय क्रांति स्मार्ट स्कूल राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुशांत लोक C2 गुरुग्राम हरियाणा, देश का एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल। और इसके पीछे प्रयास हैं श्री मनोज कुमार जी के, जो स्टेट मोटिवेटर हैं, नवोदय क्रांति के एक बहुत ही समर्पित बेहद मेहनती एक अध्यापक, जिनका मार्गदर्शन इस विद्यालय को निरंतर प्रगति की ओर ले जा रहा है। और ये देखिए, इसका पूरा स्टाफ जो बहुत मेहनती डेडिकेशन के साथ टीचिंग करते हैं, और इनके समर्पण की वजह से ही ये स्मार्ट स्कूल बना है। साथ में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ से नवोदय क्रांति मोटिवेटर इस विद्यालय में पहुंचे थे, उनके साथ ये चित्र। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि ये सुशांत लोक का एक सरकारी स्कूल किस प्रकार से बहुत बेहतरीन व्यवस्था आपको देता है और अपने आप में एक आदर्श सरकारी स्कूल के रूप में उभरता हुआ नजर आता है। ये इसका बाहरी आवरण, बाहरी लुक आप देख सकते हैं। क्योंकि जगह की बड़ी कमी होती है बड़े शहरों में, तो इसमें ज्यादा क्षेत्र नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जितना भी है कितने बेहतरीन तरीके से देखिए आप, व्यवस्थित तरीके से ग्रीनरी का ध्यान रखा गया है और उसको सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। यहां से मुख्य द्वार, अंदर की बिल्डिंग का इतनी भव्य और शानदार एंट्री, आइए अंदर चलते हैं। ये ऑफिस है, मनोज कुमार जी इस कार्यालय में बैठते हैं। सभी अध्यापक यहाँ पर बैठ करके चर्चा करते हैं, विद्यालय के बारे में योजनाएं बनाते हैं और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो देखिए मनोज कुमार जी, विद्यालय प्रभारी, जिनके अथक प्रयासों से ये विद्यालय दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है, और इसमें इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहते हैं इनके सभी स्टाफ सदस्यगण। जब कोई व्यक्ति कुछ ठान लेता है तो वह कर पाता है, और ये इनकी उपलब्धियां आप देख सकते हैं। इनको ज्वाइन किए थोड़ा सा समय हुआ था, जब इनको विद्यालय का प्रभार मिला, बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी चिंता थी, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति के सामने सब कुछ सरल होता चला गया। देखिए कितना आकर्षक वातावरण, ये इनके स्टाफ के सारे चित्र उनके परिचय के साथ लगे हुए हैं। स्टाफ किस प्रकार से रूटीन में कितने अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, पेपर की चेकिंग का कार्य है या उनके बैठने के लिए, देख कितनी बेहतरीन तरीके की व्यवस्था यहाँ पे आप देख सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको लगता नहीं कि एक सरकारी स्कूल है, जिसके बारे में आमतौर पर इस तरह की धारणाएं रहती हैं कि वो अच्छे नहीं होते, ज्यादा बढ़िया नहीं होते। ये बच्चों के लिए इन्होंने एक बहुत ही रोचक खेल तैयार किया है, जिसमें बच्चों की धैर्य की परीक्षा होती है और बच्चे एकाग्रता के साथ कुछ कार्य करने के लिए उनकी चिंतन शक्ति का विकास होता है। ये यहाँ पर रंगों पे प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बच्चे सरलता से समझ पाते हैं। तो हम देख रहे हैं सुशांत लोक, एक स्मार्ट स्कूल, सरकारी स्कूल। ये ग्रीनरी कितने शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन प्रयास एक सरकारी स्कूल में, बच्चों के खेलने के लिए जितना भी प्रांगण है उसमें बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। छोटे छोटे झूले भी लगे हुए हैं, जिन पर बच्चे आनंद के साथ झूलते हुए मस्ती करते हैं। जितना प्रांगण है उसमें खेलने के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, बच्चे उन्मुक्त होकर के अपना विकास करते हैं, उनका शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षिक विकास एक साथ होता रहता है और खुले प्रांगण में विचरण करने का उनको अवसर मिलता है। संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन बेहतरीन उपयोग सबसे बड़ी बात है। हैंड वॉश, स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। पॉलिथीन फ्री विद्यालय है, जहां पॉलिथीन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है। साफ सफाई, ये देखिए बैठने कितनी शानदार सुंदर व्यवस्था, चार्ट्स फ्लैक्स लगाए गए हैं ताकि बच्चे उनमें देख करके पढ़ते रहें, सीखते रहें। और छोटे बच्चों के लिए कितना आकर्षक ये क्लासरूम इन्होंने तैयार किया है। ये दूसरे क्लासरूम जो आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, सुंदर, खुले, हवादार। बहुत सुंदर एक्टिविटी, स्वागत करने का ये अध्यापन करते हुए शिक्षक की तरफ किस प्रकार एकाग्र होकर के बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, और एक पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत मायने रखता है। और यही हमें चेंज करना है, बदलना है।
स्मार्ट टेक्निक, इनोवेटिव मेथड्स, स्मार्ट TLM का यूज करना, बच्चों को बेहतरीन देना। ये देखिए इस विद्यालय का एक सबसे बड़ा प्रयास, इसको हम कह सकते हैं बहुत ही शानदार, एक प्राथमिक विद्यालय में, एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हम कल्पना नहीं कर सकते कि कंप्यूटर की व्यवस्था इतनी बेहतरीन तरीके से, और ये प्रयास रहे हैं इनके सभी स्टाफ सदस्यों के और मनोज कुमार जी के, कि किसी संस्था से इन्होंने इनको डोनेट करवाया है, और कितनी शानदार व्यवस्था एक सरकारी और प्राइमरी स्कूल में, विश्वास नहीं होता है। सच में नमन करता हूं मैं इन अध्यापकों के प्रयासों को और विशेष रूप से मनोज जी के प्रयासों को। दोस्तों आज जरूरत है सरकारी शिक्षा में क्रांति लाने की जरूरत है, और इसी के लिए प्रयास कर रहा है नवोदय क्रांति, और ये तभी संभव है जब हम सभी सरकारी अध्यापक मिलकर के बहुत बेहतर करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से अपने विद्यालय में प्रयास करेंगे और बनाएंगे अपने विद्यालय को स्मार्ट। गतिविधि करवाना, पोएम बुलवाना, लाइब्रेरी, जब बच्चे खुद बैठ करके अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो सेल्फ स्टडी से उनका जो विकास होता है वो बहुत लाभदायक होता है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से टीचर उनके साथ इन्वॉल्व होकर के बच्चों को सिखाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, किस प्रकार से उनको पुस्तकों को पढ़ना है, उसमें से क्या सीखना है, और रोचक बनाना है पढ़ने को, उनका स्वाध्याय का जो अभ्यास है वो शुरू हो जाए। आदरणीय साथियों, आप भी अपने स्कूल को इतना बेहतर बनाएं, इतना सुंदर बनाएं, और एकेडमिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, किसी भी रूप में अगर देखा जाए तो हमें अपने विद्यालयों को बहुत बेहतर बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, और सरकारी शिक्षा को इतना बढ़िया बना देना है कि उसे एकमात्र विकल्प के रूप में स्थापित करना है। अगर आपने अपने विद्यालय में प्रयास किए हैं और आपके विद्यालय को बढ़िया बनाया है तो आप नवोदय क्रांति से जरूर जुड़े। देखिए छत्तीसगढ़ से सुरेश सिंह टेकाम जी इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पर पहुँचे से सुरेश सिंह टेकाम जी, हेमंत जी और राजू सर छत्तीसगढ़ से, इन बच्चों से मिलकर बड़े खुश हुए, और ये वीडियो भी उन्होंने ही बनाई थी। बहुत अच्छा लगता है जब एक दूसरे से इतनी दूर से जुड़े होते हैं, और ये खेलने का वातावरण देखिए बच्चों का, आप बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत ही मिलनसार खेल हमें जोड़ते हैं, भावनाएं जुड़ती हैं, स्पिरिट का जन्म होता है मिलकर के खेलने की, एक दूसरे के साथ जुड़ करके आगे बढ़ने की स्पिरिट। तो हम बता रहे थे छत्तीसगढ़ से साथी यहाँ पर पहुंचे थे, और देख करके बड़ा अच्छा लगा था इनको, इस स्कूल की काफी तारीफ की, और ये वीडियो भी उन्होंने मुझे भेजी। दोस्तों इस स्कूल का एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास, जिसे हम पूरे इंडिया में नवोदय क्रांति के माध्यम से लागू करने जा रहे हैं, हाइड्रोफोनिक। जी हाँ, पर्यावरण के प्रति इनकी चिंता को मैं नमन करता हूँ, और इनका ये प्रयास बहुत बेहतरीन, होंडा के साथ साझे रूप में इन्होंने ये प्रयास किया है, और इस विद्यालय में लगभग 2,500 पौधे लगा करके उनसे सब्जियां प्राप्त की जाती हैं, जो शायद एक विद्यालय के सभी बच्चों के घर तक के लिए भी पर्याप्त होंगे। और यही सपना भी है मनोज कुमार जी का, कि हम अपने बच्चों के घर पर भी सब्जियां पहुंचाएं, ताकि उनके माता पिता भी पौष्टिक भोजन ले सकें और हमारे बच्चे भी पौष्टिक आहार करके आगे बढ़े। दोस्तों हाइड्रोफोनिक एक ऐसी तकनीक है जिसमें बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं, बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा फसल प्राप्त की जा सकती है, और जो अपने आप में अच्छी होती है, पौष्टिक भी होती है। इसके बारे में अलग से एक वीडियो जारी करके पूरी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आप देखिए सुशांत लोक में ये डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज जी इसका अवलोकन कर रहे थे, और ये जापान से एक टीम आई थी जिन्होंने इसका अवलोकन किया, पूरा इसके बारे में जाना, और इनकी खूब जमकर प्रशंसा की। सच में नवोदय क्रांति परिवार के इस सिपाही को दिल से नमन, और आइए हम भी करें प्रयास मनोज कुमार जी को आदर्श मानकर। जय शिक्षा, जय शिक्षक, जय नवोदय क्रांति।